बताइए नरेंद्र मोदी कैसे? अच्छे हैं, विकास हुआ है, जो भी काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मोदी सरकार से खुश है? हाँ खुश है। बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। बिजली विभाग का भी सुविधा दिया, गैस सिलेंडर सुविधा, बाथरूम सुविधा, यानी कि ऐसा कोई भी चीज सुविधा नहीं है बचा हुआ, हर चीज का सुविधा दिया। बिहार में तो मोदी जीतेगा। क्या लगता है कौन है इस बार? मोदी रहना चाहिए, मतलब बहुत पहले से तो बहुत अच्छा। कौन सी सरकार चाहते हैं? सरकार तो मोदी ही सही है, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। क्या आपको लाभ मिला जरा बता दीजिए? गैस सिलेंडर, पक्के मकान, ऐसी बहुत सारी हुई है। कौन सा नेता अच्छा लगता है? मोदी लगते हैं, बहुत बढ़िया है। हमारे माता पिता कहते हैं मतलब वही सही है इस देश के लिए। बस हम लोगों अगर बीजेपी आए बिहार के अंदर तो ये जो है धांधली वो सब कम हो जाएगा, गुंडागर्दी कम हो जाएगा, पूरा कम। आप किसको मौका देना चाहते हैं? बीजेपी है अभी तो फिलहाल, तो विकास में तो बीजेपी ही आ गया। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल HB पे। तो दर्शकों, आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 3 चरणों पे मतदान हो चुके हैं। अब बस 4 चरण रह गए हैं जिसपे मतदान होने हैं और लोकसभा चुनाव अब समाप्ति की ओर है। तो ऐसे में अब जनता से ये जानना और अहम हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है कि उनका मुद्दा क्या है, कि वो किस मुद्दे पे चाहते हैं सरकार आए, किस मुद्दे पे सरकार काम करे। क्योंकि हालांकि हमने जितना अभी तक सर्वे किया है उसके अनुसार ये रहा है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन बदलाव हमें किस क्षेत्र में अधिक चाहिए, किसे जनता और कहाँ चाहती है कि खासकर ज़्यादा बदलाव हो, उनके हित में काम हो, जो सरकार है उनकी बात सुने। तो चलिए उनसे ही जानेंगे कि क्या उनकी राय है, वो क्या चाहते हैं और किस क्षेत्र में खासकर वो बदलाव चाहते हैं। तो चलिए उन्हीं से ही जानते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे आसपास काफी सारे आपको यहाँ पे ऑटो रिक्शा मिलेंगे, तो इन्हीं लोग से हम शुरुआत करते हैं और जानेंगे कि क्या आज इनकी क्या राय है। चलिए, चुनाव का समय चल रहा है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? बिहार में तो मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा? कैसा काम किया है वहाँ? अच्छा किया है। लालू यादव अच्छे थे या अब जो वहाँ पे अगर बीजेपी की सरकार है वो अच्छी है? वो बीजेपी का सरकार अच्छा अच्छी है। क्यों, लालू यादव ने ठीक काम नहीं किया? नहीं। क्या लगता है कौन है इस बार? मोदी रहना चाहिए। मोदी आना चाहिए? क्यों आने चाहिए? मोदी सही काम कर रहा है बिहार के लिए। बिहार के लिए? अभी बिहार से ही है क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या फर्क रहा लालू यादव के समय और अब जब बीजेपी का समय है? इसमें ज्यादा मतलब लालू यादव में गुंडा ही राज ज्यादा चलता था, गुंडा राज। हाँ। अच्छा, ये जो बीजेपी आरोप लगाती है कि जंगल राज था उस समय, ये सही है? हाँ, ये सब होता था ज्यादा। हाँ। अभी तो उतना माहौल ठीक ठाक है, पहले जैसे नहीं है सिस्टम। अच्छा, बिहार की शिक्षा की बात करें तो वहाँ क्या कुछ अब बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव बहुत पहले से तो बहुत अच्छा है। से ये भी सुनने को आता था ना कि टीचर क्लास अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर नहीं, टीचर है तो टीचर को कुछ आता नहीं, नहीं, नहीं है। अब सही है, पहले से बहुत सिस्टम सही हुआ है। पहले तो मस्त सही टेम्पल पढ़ाने के लिए भी बच्चे को नहीं आते थे, अब सिस्टम सही हुआ। वहाँ पे मैंने भी काफी वीडियोस वहाँ से देखी है, जो वहाँ पे पढ़ाने टीचर आते थे उन्हें खुद कुछ नहीं आता था। सही बात है, ये बात सही है। अब मोदी सरकार से खुश है? हाँ खुश है। बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या विकास देखा आपने? विकास तो हम लोग ऐसा सरकार कोई भी लाइफ में मतलब नहीं देखे, सब सभी अच्छा खासा काम चल रहा है। हम लोग को रोजगार भी की बात हो तो अच्छा बेटर भी चल रहा है। कामयाबी के तौर पर मान लीजिए कि कोई भी मतलब गाँव के भी अंदर सारे कुछ विकास अच्छा खासा हुआ है, और जो कि मतलब राहुल गांधी की समस्या में मतलब इतना सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, रोड भी चलना मुश्किल हो गया, जो कि हर चीज़ बना, बिजली विभाग का भी सुविधा दिया, गैस सिलेंडर सुविधा, बाथरूम सुविधा, यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ सुविधा नहीं है बचा हुआ, जो कि मतलब मतलब गांव वाले लोग को नहीं दिया, हर चीज़ का सुविधा दिया, जो कि मतलब गाँव वाले सोच नहीं सकता था कि मतलब हम लोग को ये सुविधा मिल सकता है, जब मतलब हर चीज़ का सुविधा दिया सरकार, और हम लोग बहुत खुश हैं उससे। और जब तक हम लोग शायद ऊपर वाला जब तक रखे तब तक हम लोग वोट करेंगे तो सिर्फ करेंगे मोदी को ही करें। हाँ, मोदी को ही करेंगे। मतलब क्यों है इतना लगाव, जैसे आप कह रहे कि वोट करेंगे तो मोदी को करेंगे जब तक आप जीवित रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हर देखो हम लोग कोई मतलब मुद्दा पे हम लोग नहीं मतलब कि वोट करते हैं हम लोग को, बट ये है कि मतलब कोई भी चीज़ हो कि सुविधा होना चाहिए, जैसे मतलब सरकार को मतलब होता है कि जो हम लोग को फैसिलिटी दे सरकार उसी पे विकास करेंगे और उसी को वोट करेंगे हम लोग। कौन सी सरकार चाहते हैं? सरकार तो मोदी ही सही है। मोदी सही है? कैसा काम कर रहे हैं? वो तो सही काम कर रहा है। क्या कुछ विकास देखा है आपने बीजेपी के आने के बाद? बहुत सारा विकास हुआ है उनके यहाँ। विकास हुआ है, किस क्षेत्र में आपने देखा और क्या अच्छा लगा कि हाँ विकास जो पहले बिहार में नहीं था वो अब है? बिहार में देखिए पूरे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा काम किए। राम जन्म जैसे भूमि मंदिर जो बना है तो सबके जितने भी सरकार गए किसी के बस की बात नहीं था, और जो कर दिए अनोख नहीं कर पाएंगे, दूसरा जो कर दिए मोदी जी दूसरा के बस की बात नहीं है। अच्छा, अगर ये
लिए आपने राम मंदिर का जिक्र किया, अगर कांग्रेस पार्टी होती है कोई और दूसरा विपक्षी पार्टी होता नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। क्या क्या आपको लाभ मिला जरा बता दीजिए। गैस सिलेंडर और फिर से मतलब पक्के मकान जो पहले के नाम वो सब मतलब कि जैसे लकड़ी वकड़ी के बनाते थे गाँव में, और फिर से मतलब ऐसी बहुत सारी हुई है पर इतना नोटिस नहीं करते तो उतना ध्यान में नहीं है। आप लोगों को घर मिला है आवास योजना के तहत, आपको सिलेंडर मिला है उज्ज्वला योजना के तहत, तो बिजली मिली है, बिजली की जो मतलब सालों से जो चीज़ें नहीं हो पाती थी मतलब इतनी सरकार हुई है वो चीज़ उन्होंने करी। आपको कौन सा नेता अच्छा लगा? मोदी लगते हैं। मोदी लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्या खास है? बहुत बढ़िया, हमारे माता पिता कहते हैं मतलब वही सही है इस देश के लिए। नरेंद्र मोदी कैसे? अच्छे हैं। काम कैसा है? उस बढ़िया काम किया है, विकास हुआ है। हुआ है? हाँ, अच्छा काम हुआ है। चाहते हैं फिर से आए? हाँ, फिर आएगा वो। आने चाहिए? हाँ, आने चाहिए। किस मुद्दे पे लाएंगे अगर आते हैं तो? जो भी हो लेकिन काम अच्छा किया है। जो भी हो काम अच्छा है? हाँ, काम अच्छा। अच्छा, आप अगर तीसरी बार आती है फिर सरकार बनती है, क्या विकास चाहते हैं, किस क्षेत्र में विकास चाहते हैं? वो विकास हर क्षेत्र में करते हैं, जहाँ भी वो विकास विकास ही करते हैं वो। अच्छा, अच्छा ही काम करता है। जहाँ रहते हैं वो विकास ही होता है? हाँ। लेकिन विपक्ष कहते हैं जहाँ रहते हैं वहाँ विनाश होता है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं नहीं। भ्रष्टाचार पहले से बढ़ा है या अब ठीक है? नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार कम हो गया है। आगे भी आएगा तो भ्रष्टाचार कम ही होगा। जो भी काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बीजेपी आएगा तो कम होगा? हाँ मैडम, विश्वास है हम लोग को, अगर बीजेपी आए बिहार के अंदर तो थोड़ा मतलब ये जो है धांधली वो सब कम हो जाएगा, गुंडागर्दी कम हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा। आप किसको मौका देना चाहते हैं? बीजेपी है। बीजेपी को? बीजेपी ही देखते हैं अभी तो फिलहाल, तो विकास में तो बीजेपी ही आ गया। लालू रहा 15 साल, उसके बाद सारे जंगल था, अभी जो फिलहाल गली गली रोड हुआ, बिजली हुआ, यही सब देखे। तो जो यहाँ की जनता है वो चाहती है कि विकास हो, बदलाव हो, इस क्षेत्र में विकास हो। तो देखा आपने, कैमरा पर्सन रीति के साथ मैं सृष्टि शाह।